फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्पेशली महाराष्ट्र स्टेट वालों के लिए है। अगर आप दूसरे स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है और इसके लिए आप आवेदन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, और फ्रेंड्स अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अपन लोगों की डिग्री और डिप्लोमा खत्म होने के बाद बहुत सारे अपन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और फ्रेंड्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल बस इसीलिए करते हैं ताकि आपको अच्छी इनकम आपके पास आ सके। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब में सभी लोग ध्यान देते हैं, पब्लिक सेक्टर में सभी लोग ध्यान देते हैं, अच्छी अच्छी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है उसमें भी सभी लोग ध्यान देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता है, या पता भी होता है तो बहुत ही लिटिल बिट, बहुत ही कम लोगों को पता होता है। फ्रेंड्स, ऐसा ही ये एग्जाम होता है चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर। जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के मेरे भाई बहन दोस्तों, जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि फ्रेंड्स मैं सारी डिटेल बताने वाला हूं कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, सारा कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर में सभी लोग ध्यान देते हैं मात्र इनकम कमाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फ्रेंड्स बार बार इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फ्रेंड्स, जो चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर की जो इंपॉर्टेंस होती है, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट वाले ये एग्जाम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले, ये वही डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट से आपका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस बनता है। फ्रेंड्स, इस एग्जाम का एप्लीकेशन जब आता है तो उसको फॉर्म को फिल करना होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। और इंपॉर्टेंट इसकी ये है कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, आपका चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का अगर आपका सर्टिफिकेट अगर जनरेट हो जाता है, आप बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट आपको, वो डिपार्टमेंट आपको एक अप्रूवल दे देता है कि कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ठीक है, का जो भी काम होगा तो आप उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि वहां पर सेफ्टी से रिलेटेड और सेफ्टी के इक्विपमेंट से रिलेटेड, यानी सारा कुछ सेफ्टी से रिलेटेड काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी आपको एक अप्रूवल मिल जाता है, आप वहां का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यही इंपॉर्टेंट है चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का। फ्रेंड्स, इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग कई सालों से लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये इनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही कम लोगों को पता है कि चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम कब होता है, क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हर बंदा, ठीक है, सभी लोग पब्लिक सेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं या प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये एग्जाम एक ऐसा है जिसको अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स इस वाले एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको एक अप्रूवल मिल जाता है। फ्रेंड्स, एक बात और क्लियर कर देता हूं, गवर्नमेंट आपको अप्रूवल बस देती है, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती है। मैं फिर आपसे बता दे रहा हूं, अगर आप चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो आपको गवर्नमेंट एक अप्रूवल दे देती है, यानी आप उसके एक बंदे बन जाते हैं कि आप साइट पे जाके साइट विजिट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, उस साइट को वेरीफाइड कर सकते हैं अपने सिग्नेचर से, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट होता है चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का, लेकिन आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, और फ्रेंड इससे आप अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपको अगर इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर राइट हैंड साइड में आई बटन में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मेरी एक प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया है कि आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चार्टेड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है,
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या टर्म्स होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है, कौन सी वेबसाइट होती है, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए उसके लिए फ्रेंड्स मेरे को आपको लेके मैं चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, वहां पर आपको डिटेल में बताता हूं कि आप चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करना क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही कम लोगों को पता है, आपका ये एग्जाम क्लियर हो सकता है। थोड़ी सी अगर आप स्ट्रगल कर ली है, थोड़ी सी अगर आपने पढ़ाई कर ली तो ये आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही, क्योंकि फ्रेंड्स ये एग्जाम ऐसे होते हैं इससे आप एक अपना बिजनेस भी, खुद का बिजनेस भी आप कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का लाइसेंस बनवा लेंगे, ठीक है, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का एग्जाम अगर क्लियर कर लेंगे तो आप अपना खुद का इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी मैं लेके चलता हूं आपको डायरेक्ट अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि कैसे इस एग्जाम को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ये आप देख सकते हैं पीडीएफ, जिसमें क्या देखिए ऊपर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, ये वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। अभी मैं आपको बता दूंगा इसकी वेबसाइट वगैरह क्या होती है। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल आपको मैं इसी में बता दूंगा, एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या होता है और एग्ज़ाम कब होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। फ्रेंड देखिए सारी कुछ इसमें डिटेल लिखी है, मैं सारा कुछ आपको रीड करके तो नहीं बता सकता हूँ लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट 15 सितंबर 2022 से लेके 20 नवंबर 2022 आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और पेमेंट की भी डेट सेम ही है। और एडमिट कार्ड आपका कब इशू हो जाएगा, 1 दिसंबर से आप इसका एग्ज़ाम ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और संडे को एग्ज़ाम होगा आपका 11 दिसंबर को। एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख लेते हैं। देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न 100 क्वेश्चंस आते हैं इसके और 100 ही मार्क के होते हैं और 90 मिनट्स का ये एग्ज़ाम होता है, टाइम ड्यूरेशन है ये। और ये देखिए ये नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है और एग्ज़ाम जो सेंटर होता है देखिए, और इससे 50% अगर आप इसे मार्क्स ले आएंगे तो आप पास हो सकते हैं। फ्रेंड्स एग्जामिनेशन सेंटर इसका क्या होता है देखिए, मुंबई, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, ये 4 एग्ज़ाम सेंटर होते हैं। आप अपने घर के पास का कोई भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं इसमें। और नीचे अभी अपन देख लेते हैं क्या क्या इसकी मैंडेटरी चीज़ें हैं। एडमिट कार्ड भी लिखा है 1 दिसंबर से डाउनलोड हो जाएगा। अब हाउ टू अप्लाई, अब देखिए बिफोर अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है अभी मैं अप्लाई करना भी आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से अप्लाई करते हैं। पेमेंट इसकी देखिए क्या है, मेक पेमेंट 3,000 रुपये इसकी पेमेंट होती है। फ्रेंड्स वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आप ये मत सोचना कि ये फालतू फालतू एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम महाराष्ट्र स्टेट का जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है वही इसका एग्ज़ाम लेते हैं। फ्रेंड देखिए ये आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, और GRS पेमेंट रिसिप्ट, इसकी जो पेमेंट करेंगे उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप महाराष्ट्र का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये लिंक अभी यहाँ से अपन को नहीं जाना है, मैं लिंक अभी आपको बता दूंगा। और फ्रेंड अगर कभी भी अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत होती है, आप ये वाले ईमेल पे आप इनको मेल भी कर सकते हैं और इस वाले फ़ोन नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे कि कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए, सारा कुछ आप इनको फ़ोन लगा कर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान में रख लीजिए, आप कुछ भी अगर आपको दिक्कत होगी फ़ोन नंबर लगाइए और इनसे पूछ लीजिए अगर आपको कोई डाउट होता है तो। तो चलिए दोस्तों मैं फटाफट से आपको लेके चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स इसकी वेबसाइट पे ठीक है अपन को जाना है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र की वेबसाइट में जाना है। डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मैंने दे के रखा है, तो उस वहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक में तो आप इसी वाली वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। तो देखिए इस वाली वेबसाइट में पहुँचने के बाद आपको कहाँ जाना है, देखिए ये लेटेस्ट अपडेट जो आपको दिख रहा है ना आपके लेफ्ट हैंड तरफ,
तो वहां पर भी देखिए एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर का। इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो जो पीडीएफ अभी मैंने आपको दिखाई थी रीड करके, वही पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी आपके सामने। देखिए ये सारी पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। और इसको अप्लाई कैसे करना है, ऊपर एक लिंक दी हुई है, देखिए सॉरी ये ऊपर एक लिंक दी हुई है, एग्ज़ाम लिंक, ठीक है ये। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहां से फिल कर सकते हैं एग्ज़ाम का फॉर्म, ठीक है। फ्रेंड्स अभी इसका इनने अपडेट नहीं दे के रखा है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये एग्ज़ाम का फॉर्म चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी इनने उसमें अपन ने लिंक में क्लिक कर रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है इनकी वेबसाइट में, लेकिन आप उसी लिंक में जाके आप एग्ज़ाम के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चार्टर्ड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंजीनियर के एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स कुछ दिनों बाद ये चालू हो जाएगा, अगर चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे फिल करना है एग्ज़ाम को। फ्रेंड्स यही वाले लिंक में आपको क्लिक करना है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम का फॉर्म चालू हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि 15 सितंबर से इनने एग्ज़ाम ये फिल करना चालू किया था, है ना, और नवंबर तक चालू रहना है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप इसके एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी बताई गई हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हुई हो और नॉलेजेबल लगी हुई हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स ज़रूर करना, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ फ्रेंड्स मिलते रहते हैं। और फ्रेंड्स अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स ये वाली जो प्लेलिस्ट है ना फ्रेंड्स, इस वाली प्लेलिस्ट को भी अभी ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर से रिलेटेड, इस प्लेलिस्ट में वीडियोस भरे पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।